स्वागत है दोस्तों CHO अकेडमी चैनल में। दोस्तों एक और हमेशा की तरह शानदार अपडेट्स लेके आया हूँ। बहुत बड़ा अपडेट है UP CHO को लेकर। दोस्तों कैंडिडेट हैं वो काफ़ी दिन से कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर परेशान हैं, तो सारा इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से समझाया है, तो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। और DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है वो लेकर अवश्य लेकर जाएँ। और कोविड एक्सपेंस को लेटर को लेकर संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो बहुत बड़ा अपडेट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ऑफिशियल लेटर के द्वारा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। देखो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है और कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट बिलोंग टू OBC और EWS कैटेगरी, इन दोनों को यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है OBC और EWS कैटेगरी वालों को, दोनों को बेनिफिट है वो सेम मिलेगा। मस्ट अपलोडेड द रिक्वायर्ड OBC NCL सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिवली ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट डूली अप्रूव्ड फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी। तो कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा ये अप्रूव होना चाहिए और नॉट ओल्डर देन 1/4/2022। अब देखो यहाँ पर ये मस्ट में लिखा हुआ है कि आपको बिल्कुल अपलोड है वो करना ही करना है, तो यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट अपलोड नहीं किया है उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अपना जो पुराने वाला सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको लेकर जाना है और नया भी बनवा लें। अभी तक नहीं बनवाया है तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी नया बनवा लें और वो नया वाला लेके जाएँ, साथ में पुराना वाला लेके जाएं। और DV के दौरान उनको बोलो कि सर मैंने बाय मिस्टेक पुराना वाला लगा दिया था लेकिन मैंने अभी नया बनवा लिया है, तो प्लीज़ ये प्रिफर करें। तो हो सकता है कि इन केस वो ले लें आपका नया वाला, मतलब ऐसा होगा नहीं लेकिन हो सकता है कि 1% ऐसा हो जाए, तो क्या पता सिलेक्शन हो जाए। बाकी इसमें नोट ओल्डर देन 1/4/2022 साफ साफ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड और मस्ट ओबटेन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब 1/4/2022 से पहले का है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट हैं वो इस EWS और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसको लेकर काफ़ी परेशान है, उसके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप बिल्कुल नया बनवा लें, अभी अभी तक नहीं बनवाया है तो जल्दी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आने से पहले पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़रूर बनवाएं और नया वाला ज़रूर लेके जाएं साथ में, ताकि आप लोग दिखा सकें और हो सकता है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये बात थी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। अब हम बात करेंगे जो कोविड सर्टिफिकेट है, कोविड सर्टिफिकेट है उसका नंबर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर मैं यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ थी, तो उसका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका ऐड होगा नहीं होगा बेनिफिट, और आउटसोर्स में काम कर रही थी या फिर टेम्प्रेरी बेसिस पे। तो देखो साफ साफ मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी काम कर रहे हैं या फिर टेम्प्रेरी बेसिस पे भी काम कर रहे हैं आउटसोर्स या मतलब कोई अदर एजेंसी के थ्रू, किसी तीसरे डिपार्टमेंट के थ्रू भी अगर काम कर रहे हैं, मतलब एक रिक्रूटमेंट के थ्रू आपने काम किया है कोविड के लिए, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस उसका बिल्कुल मिलेगा। और अभी तक आपने नहीं बनाया है तो आप प्लीज़ जहाँ पे भी काम किया है उनसे कुछ बातें करके आप ये अपना बनवा लीजिएगा, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप इसको वो सबमिट करा सकें। अब हम बात करेंगे लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग की। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट है NHM UP की ये खोल रखी है। अब यहाँ पे कल नोटिफिकेशन आया था जिसको लेकर कैंडिडेट काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि दो चार हमारे यूट्यूब अदर यूट्यूब चैनल वालों ने ये वीडियो डाल दिया था कि रिजल्ट है वो आ चुका है और बहुत बड़ी अपडेट्स है। तो दोस्तों ये रिजल्ट है वो CHO UP CHO का रिजल्ट नहीं डाला है, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो लैब टेक्नीशियन है उनका यहाँ पर रिजल्ट है वो अपडेट्स किया गया है, जो कि कई यूट्यूबर्स ने इसको डाल दिया है कि CHO का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, तो कैंडिडेट्स है वो काफ़ी परेशान हो गए थे। तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अथॉर्डिंग सूचना है आप लोगों के लिए कि ये CHO का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो जैसे ही डिक्लेयर होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो घंटी के बटन है उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक
जल्द से जल्द है वो पहुंच सके। बाकी जो नीचे वाले अपडेट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, PHN ट्यूटर के बारे में है, एडमिट कार्ड के बारे में है, और जो ग्रीवेंस पोर्टल अभी चालू हुआ है 20 सितंबर से उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, वो डाल दिया था। लेकिन ये वाली जो अपडेट थी वो ये कल नाइट की अपडेट है और काफ़ी चैनल वालों ने इसको डाल भी दिया है, तो प्लीज़ ये माइंड मत करिएगा। अभी रिजल्ट वो आने वाला है कुछ ही दिनों में, जैसे ही आएगा सूचित कर देंगे आप लोगों को। और UPCHO से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा CHO Academy चैनल के माध्यम से। और आप टेलीग्राम चैनल है CHO Academy नाम से, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट है हमारी newnaukri.in के नाम से, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए और अगर रीड करना चाहें आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ से आप पेपर प्रीवियस ईयर के CHO से रिलेटेड आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।